हेलो गाइस, मैं आशीष मेहता आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग जावा के अंदर क्या होती है। तो बेसिकली टाइप कास्टिंग मीन्स दैट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि एक डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करती है। लाइक हो गया इंटेजर टू फ्लोट, फ्लोट टू डबल, और किसी भी डाटा टाइप को किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट करती है। ओके, सो ये प्रोसेस दो टाइप से कंप्लीट होती है। एक होता है इम्प्लिसिट मेथड और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट मेथड। सो इम्प्लिसिट मेथड जो होती है वो कंपाइलर द्वारा खुद की जाती है। ओके, एंड डेट एक्सप्लिसिट जो होती है वो यूजर खुद से करता है। सो इन दोनों को वन बाय वन हम कोड लिख के ट्राई करते हैं। ओके, सो क्लास बनाएंगे। पहले टाइप सी अपनी क्लास का नेम है, टाइप सी स्टैंड्स फॉर टाइप कास्टिंग। देन मेन मेन फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि होगा इंटीजर टाइप का। इसके अंदर हम एक मतलब कुछ वैल्यू का असाइन करेंगे। देन यहाँ लिखेंगे इंटीजर, ब्लैक लिखेंगे कि विथ बिफोर 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 टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग वेरिएबल वैल्यू इज। ओके, एंड डेट इसको प्रिंट कर देंगे हम, एंड डेट व्हाट इज अवर वेरिएबल नेम ए नम। ओके, एंड उससे पहले नम। ओके, ऑल आर डन। ओके, यहाँ इतना करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट एलन लगा देंगे जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे। ओके, और इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका जिसका डेटा टाइप होगा प्लॉट, और डबल कुछ भी हो सकता है, हम डबल क्यों जाते हैं। सो DOUBL डबल, एंड इसका नाम लिखते ही n इक्वल टू हम नम को असाइन कर देंगे। देन प्रिंट करेंगे आफ्टर टाइप कास्टिंग दी वैल्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल इस करके हम लिख यहाँ प्रिंट कर देंगे हम एन को। ओके, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर ऑल्सो इंक्लूड प्रिंट एल एन जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें। ओके, इतना कोड लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे, देन रन करेंगे। सी एम डी पे जाएंगे, जावा सी, और अपनी क्लास का नेम क्या है, टाइप सी, TYPEC.java। ओके, एंड फिर से हम इसको रन करेंगे टाइप सी। ओके, सो यू कैन सी दैट बिफोर टाइप कास्टिंग पहले हमारी वैल्यू ये थी 10, और इसको हमने फिर डबल में कन्वर्ट कर दिया तो 10.0 हो गई है। ओके, सो ऐसा होता है। और इसके बाद हम मूव करते हैं, ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप, और अब करेंगे हम एक्सप्लिसिट। ओके, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की ओर। सो उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो यूजर खुद से कन्वर्ट करता है। लाइक दैट कि फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने डबल एंड डबल ए इक्वल टू मैंने कुछ असाइन किया है 10.9 या कुछ भी कर दिया, 99 कर दिया। ओके ओके, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इंटेजर टाइप में। तो इंट करके हमें लिखूंगा डेटा इक्वल टू, इसके आगे मैं लिखता हूँ इंट करके, इंट जो अपना नम है डबल है, और डबल डेटा डेटा टाइप जिसका वेरिएबल का नेम है ए है, उसको मुझे डेटा के अंदर स्टोर करना है इंटीजर टाइप करके, और उसको मैं प्रिंट कर दूंगा डेटा को। सो अभी हमारे पास डेटा इक्वल टू ए है, और ये जो डबल था उसकी वैल्यू थी 10.99, बट हमने उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है और डेटा को प्रिंट कर दिया है। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, देन फिर से कंपाइल करेंगे जावा सी में जाके। ओ, इसको डायरेक्टली कर देते हैं जावा सी। ओके, टाइप सी, देन रन करेंगे। सो यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 10। ओके, सो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। आशा करता हूँ कि आपको दोनों टाइप की टाइप कास्टिंग पसंद समझ आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।